अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है जी? खैरियत से हैं? मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद तारिक नदीम, और आज बेटा हमने चैप्टर नंबर 14 में जो है वो हमारा आर्टिकल है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, या इसे शॉर्ट फॉर्म में सीआरओ भी कहते हैं। सो व्हाट इज सीआरओ? सीआरओ जो है इट इज अ हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस। ये आप समझिए एक छोटा सा टीवी होता है, ठीक है, जैसे अगर आप ने हॉस्पिटल्स में अगर गए हों तो वहाँ आईसीयू के अंदर एक छोटा सा मॉनिटर सा लगा होता है जो कि आपके दिल की धड़कन को दिखा रहा होता है, ठीक है, उसकी वेव फॉर्म को शो कर रहा होता है, आपके जो शुगर पल्स को, जो दिल की धड़कन है या पल्स को एक वेव फॉर्म की शक्ल में दिखा रहा होता है। अब अगर खुदा ना खास्ता वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन शो कर दे तो इसका मतलब है फिर डॉक्टर यही कहते हैं कि अल्लाह को यही मंजूर था, अब आप इसे ले जाएं। बहरहाल व्हाट इज सीआरओ? सीआरओ आर कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, इट इज अ हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस। इससे हम मुख्तलिफ टाइम वेरिंग क्वांटिटीज का ग्राफ बना सकते हैं। टाइम वेरिंग क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज। ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज क्या हैं? वो क्वांटिटीज जो टाइम के साथ वेरी करें। तो ऐसी क्वांटिटीज जो टाइम के साथ वेरी करें उनका ग्राफ हम दिखा सकते हैं किसके ऊपर? एक स्क्रीन के ऊपर। तो ऐसी डिवाइस को क्या बोलते हैं? सीआरओ। इट ऑल्सो इट डिस्प्लेज द साइज एंड शेप ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जैसे ये है, इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल की शेप किस तरह की होगी और साइज कितना होगा, साइज और शेप को डिस्प्ले कर सकती है ये जो डिवाइस है। सो व्हाट इज सीआरओ? अगर आपसे ये पूछा जाए तो क्या कहेंगे? इट इज अ हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस। और ये एक ऐसी वर्सटाइल जो डिवाइस है जो कि क्या कर सकती है, डिस्प्लेज, इट डिस्प्लेज द साइज एंड शेप ऑफ द इनपुट सिग्नल। तो इन या इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की का साइज और शेप को इससे दिखाया जा सकता है, ठीक है जी। प्रिंसिपल इसका क्या है? प्रिंसिपल ये है कि जब एक चार्ज पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दाखिल होता है, अगर फर्ज करें ये हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ठीक है, तो अगर यहां इलेक्ट्रिक एक चार्ज पार्टिकल को रखा जाए, लेट से ये चार्ज पार्टिकल है, तो ये प्लेट इसे रिपेल करेगी, ये अट्रैक्ट करेगी, तो ये इस फील्ड के अंदर क्या करेगा? मूव करेगा, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल के द फोर्स एक्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज मूव्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो प्रिंसिपल क्या है? फोर्स एक्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ई एफ से क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दो बातें हो गई, बातें साथ साथ याद हो रही हैं। पहली कौन सी है? व्हाट इज सीआरओ, क्या होती है वो पता चल गया। नंबर दो, इसका प्रिंसिपल क्या है वो पता चल गया। नंबर तीन इसकी कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन ये मैंने आपको एक दिखा दी है, इसकी जो इनर जो ट्यूब है सीआरओ की, ठीक है, बाहर वाला हिस्सा नहीं दिखाया, अंदर जो एक ट्यूब है जिसे हम आमतौर पर सीआरटी कहते हैं, कैथोड रे ट्यूब, वो दिखाई है। ये जो ट्यूब है ये ट्यूब दिखाई है। तो जो कैथोड रे ट्यूब है इसके बेसिकली तीन हिस्से हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन गन है, ठीक है। नंबर टू डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं, डिफ्लेक्शन प्लेट्स कह लें या डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, एक ही बात है, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं। और तीसरा क्या है? फ्लोरिसेंट स्क्रीन है। तो तीन इसके पार्ट्स हैं, मेन पार्ट्स। द मेन पार्ट्स ऑफ सीआरओ कौन कौन से हुए? नंबर वन इलेक्ट्रॉन गन, नंबर टू डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स या डिफ्लेक्शन सिस्टम कह लें, और नंबर थ्री क्या है? डिस्प्ले सिस्टम या फ्लोरिसेंट स्क्रीन। तो तीन इसके पार्ट हो गए जी, मेन पार्ट जो है वो इस कैथोड रे ट्यूब के, कौन कौन से? नंबर वन इलेक्ट्रॉन गन। अब इस पहले पार्ट को जो है वो हम डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉन गन में
जो है वो पांच चीजें हैं टोटल। नंबर एक, पहले है फिलामेंट, ठीक है। इस फिलामेंट को क्या किया जाता है, इस फिलामेंट को ये जो समझ लें एक छोटी सी क्वाइल है, इसको हम लगाएंगे कि बैटरी से, बैटरी से लगाएंगे, इसमें से करंट पास हो। जब करंट पास करेगी, तो जब इस फिलामेंट में से करंट पास करेगी, तो आपको पता है करंट जो है वो क्या पैदा करती है, हीट पैदा करती है। करंट का एक हीटिंग इफेक्ट होता है, हीट प्रोड्यूस इन एनी कंडक्टर और एनी दिस फिलामेंट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो समझे, ये जो फिलामेंट है, इसको बाज़ औक़ात हम हीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हीटर, ठीक है। ये आप समझ लें, ये फिलामेंट है, ये जैसे बल्ब की फिलामेंट होती है, इसमें से करंट पास करेगी, करंट क्या पैदा करेगी, हीट पैदा करेगी। उस हीट से क्या होगी, ये कैथोड हीट अप होगी, कैथोड हीट अप होगी। तो कैथोड जो है उसके अंदर, कैथोड किस चीज का बना है, कंडक्टिंग मटीरियल है ना, जब कंडक्टिंग मटीरियल है उसके अंदर बेशुमार फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो क्या होगा, इस फिलामेंट, जब फिलामेंट हीट अप होगी तो वो हीट किसको देगी, कैथोड को, कैथोड हीट अप होगी। तो जब कैथोड हीट अप होगी तो यहां से कैथोड से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। सो इलेक्ट्रॉन बेटा एमिट होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स का जो एमिशन है, हीट के जरिए से इलेक्ट्रॉन्स का जो एमिशन है, उसे क्या कहते हैं, थर्मियोनिक एमिशन, दैट इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन क्या होता है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय हीटिंग, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय हीटिंग, ठीक है। अब यहां से जब इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए, तो इस कैथोड पे आमतौर पर 1 किलो वोल्ट यानी 1000 वोल्ट नेगेटिव पोटेंशियल होता है। दिस कैथोड इज गिवन नियरली 1000 किलो वोल्ट, लेकिन कौन सा पोटेंशियल, नेगेटिव। अच्छा, इसके सामने एक ग्रिड लगाई होती है हम, ठीक है, उसमें समझ लें ग्रिड है, ग्रिड में छोटे छोटे समझ लें सुराख है, ठीक है। इस ग्रिड को अगर इस कैथोड को 1000 वोल्ट दिया होता है नेगेटिव, तो दिस इज मोर नेगेटिव, इसको हम 1050 तकरीबन 50 या 100 वोल्ट यहां ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो रिपेल करेगा। लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन चूंकि निकले हैं, उनकी कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहां से जो निकल रहे हैं, सबकी काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं है, इसलिए ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है, जब हम ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा। बात समझ में आ गई। उससे क्या होगा, जितना इस पे नेगेटिव पोटेंशियल हम ग्रिड पे बढ़ाएंगे, जितना ग्रिड पे नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे, उतने कम इलेक्ट्रॉन आगे जा सकेंगे, और जितने कम इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे स्क्रीन पर जाकर, उतने वो कम इलेक्ट्रॉन जब पहुंचेंगे तो क्रम ब्राइटनेस पैदा होगी, तो वो जो ग्राफ हमारा जो डिस्प्ले होना है सीआरओ के ऊपर, उसकी ब्राइटनेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रिड। सो ग्रिड, दो बातें ग्रिड के लिए आपने याद रखनी है, ग्रिड इज एट मोर नेगेटिव देन कैथोड, ग्रिड इज एट मोर नेगेटिव पोटेंशियल देन एट इट इज एट मोर नेगेटिव पोटेंशियल देन कैथोड। और दूसरी बात क्या है कि ग्रिड क्या करती है, ग्रिड कंट्रोल्स दी ब्राइटनेस ऑफ दी स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर जो ग्राफ हमें नजर आएगा उसकी ब्राइटनेस को कम या ज्यादा कर सकती है। सो वी कैन कंट्रोल द ब्राइटनेस ऑफ द स्क्रीन बाय कंट्रोलिंग द पोटेंशियल एट कैथोड, ग्रिड, ग्रिड के ऊपर पोटेंशियल को कम या ज्यादा करके हम ब्राइटनेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक होगी बात जी। फिलामेंट ने हीट पैदा की, फिलामेंट समझ लें एक हीटर है, कैथोड हीटअप हुई, इस हीटर ने कैथोड को हीटअप किया, इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को हम कंट्रोल कर सकते हैं आगे जाने से बाद ग्रिड,
जैसे मैंने कहा कि अगर इस पे वन माइनस वन किलो वोल्ट है तो इस पे उससे ज्यादा होगा, माइनस 1050 वोल्ट। ठीक है, अब जब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर भी पैदा हो रहे हैं, इधर भी पैदा हो रहे हैं, इधर, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। तो फोकस किससे करेंगे, इस एनोड से। इसलिए ये जो पहला एनोड है, ये बस जगहों पे ये तीन भी बना देते हैं, चार भी बना देते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, आप दो बना लें, तीन बना लें, चार बना लें, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बेसिकली यहां हम मैंने दो शो किए हुए, इनमें से जो पहला एनोड है, ये जो एनोड है ना, ये प्लेट की शक्ल का नहीं है, ये समझ लें कि ये जो है ना, ये ऐसे एक सिलेंड्रिकल एनोड है, ऐसे ये सिलेंड्रिकल है, ऐसे, समझ आ गई बात। तो ये क्या करता है, ये इसके, ये ऐसे सिलेंडर है, दरमियान में एक सुराख है, ऐसे सिलेंडर है। ये जो सिलेंड्रिक एनोड है, इस पर जो पोटेंशियल है वो कितना होता है, माइनस 600 वोल्ट। अब आप ये देखें, इस पे चारों तरफ नेगेटिव पोटेंशियल है, लेकिन लेकिन इससे पोटेंशियल जो है वो क्या है, ज्यादा है, माइनस 1000, माइनस 1000 ज्यादा होता है कि माइनस 600 ज्यादा होता है, जारी सी बात है, माइनस जो 600 ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये देखिए, अगर ये फर्ज करें, इलेक्ट्रॉन जब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव करते हैं, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो अब आप ये देखें, ये जो पहला है, पहला सिलेंड्रिकल एनोड जो है, इसको हम कहते हैं फोकसिंग एनोड। इस पे कितना पोटेंशियल होता है, माइनस 600 वोल्ट, माइनस 600 वोल्ट। इसका मतलब है इसकी सारी जो सरफेस है उस पर क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल है, समझेंगे। ये देखें, इधर भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, इधर भी, इधर भी, लेकिन पोटेंशियल कम है। इस कम की वजह से इधर अगर फर्ज करें माइनस 1000 है, लेट्स से इधर माइनस 600 है, तो ये कम पोटेंशियल हुआ, ये क्या हुआ, ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन्स विल मूव, इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सेलरेट फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अब इस चारों तरफ नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से, रिपल्शन की वजह से, ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है, ये जो तितर बितर यहां हो रही थी, ये क्या हो जाएगी, फोकस हो जाएगी इनटू अ स्ट्रेट लाइन, इनटू अ स्ट्रेट लाइन। तो इसलिए इस पहली जो एनोड है, इसका पोटेंशियल जो है वो क्या है, माइनस 600, जो कि माइनस 1000 वोल्ट से ज्यादा है। तो ये जो पहला एनोड है, दिस इज कॉल्ड फोकसिंग एनोड, ये सिलेंड्रिकल एनोड है, बात समझ में आ रही। इससे और जो अगला एनोड है वो 0 वोल्ट पर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस 600 से 0 तक ये और लोअर पोटेंशियल है, ये और हायर है, इट्स अ वेरी, इट्स एट हायर पोटेंशियल देन दिस। तो फिर इलेक्ट्रॉन आगे मूव करते चले जाएंगे, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी गेन करते जाते हैं। और अगर आपको पता भी हो तो वो कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं, वीई, कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं, वीई। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जब यहां तक इन एनोड्स से निकलते हैं तो वो बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी गेन कर चुके होते हैं, बहुत सारी स्पीड गेन कर चुके होते हैं। ऐसा ही है जैसे एक गन से, गन के बोर से, नाली से जब एक बुलेट निकलती है तो वो उस पीछे से काफी काइनेटिक एनर्जी गेन कर चुकी होती है, बात समझ में आ गई। तो इसी तरह से ये जो हमारी यहां से लेकर यहां तक फिलामेंट, कैथोड, ग्रिड और ये जो एनोड्स हैं, ऑल दीज फोर पार्ट्स विल मेक अ इलेक्ट्रॉन गन। तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन इस एनोड से आगे निकले तो क्या होगा जी, बताओ, काफी सारी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, बहुत सारी स्पीड गेन कर चुके होंगे, और वो किस तरफ रवा दवा है, इस स्क्रीन की तरफ। लेकिन स्क्रीन तक जाने से पहले उनका दो प्लेट से रास्ता पड़ेगा, जिनको हम कहते हैं डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। अब ये दो प्लेट्स, दो तरह की प्लेट्स लगी हुई है, ये एक्स प्लेट्स हैं, ये जो एक्स प्लेट्स हैं ये ऐसे लगी हुई है।
अच्छा ये बात याद रखनी है कि फर्ज करें ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस है, इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अच्छा ये प्लेट्स कौन सी हैं, ये वाली वर्टिकल प्लेट्स हैं, ये वाली, ये याद रखना है, दोबारा जरा सुन लो, ये प्लेट्स कौन सी हैं वर्टिकल, लेकिन दे डिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रॉन बीम हॉरिजॉन्टल। समझ आई बात, ये नहीं समझ आई, देखो बीम जो है वो प्लेट्स वर्टिकल है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन बीम को देखो ना, ये प्लेट अगर पॉजिटिव है, ये क्या है नेगेटिव है, सपोज इधर से इलेक्ट्रॉन आए पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए, इसका मतलब है ये जो वर्टिकल प्लेट्स हैं दे डिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रॉन बीम अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। लेकिन अगर प्लेट्स हॉरिजॉन्टल हो, ऐसे मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेट्स लगी हुई ऐसे, तो दे डिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रॉन बीम वर्टिकल। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो एक्स प्लेट्स हैं, एक्स और एक्स डैश हैं ये वर्टिकल, लेकिन दे डिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रॉन बीम अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। जो वाई प्लेट्स हैं ये हॉरिजॉन्टल, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन बीम को डिफ्लेक्ट करेंगे अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। तो हम इनको आसानी की खातर क्या कह देते हैं, ये एक्स प्लेट्स हैं और ये वाई प्लेट्स हैं, एक्स प्लेट्स विल डिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रॉन बीम अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड वाई प्लेट्स विल डिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रॉन बीम अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। समझ आ गई बात, पक्की बात है। चल अब ये जो एक्स प्लेट्स होती हैं, इनका कंट्रोल हमारे पास नहीं है। ये जो एक्स प्लेट्स है ना, देखे ना, अगर आप आपके पास टीवी है, टीवी के बाहर बटन लगे होते, ठीक है ना, समझे ना बात को, मसलन अगर मैं थोड़ा सा इसको मिटा दूं, ये देखो टीवी अंदर तो हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन बाहर जो है ये टीवी के बाहर वाले स्क्रीन के बाहर, उसके ऊपर क्या लगे होते हैं, बटन लगे होते हैं। यहां पर भी क्या लगे होंगे, दो सीआरओ के ऊपर बटन, दो बाहर बटन लगे होंगे, एक पे लिखा होता है वाई प्लेट्स। यानी ये जो वाई प्लेट्स हैं इनका कंट्रोल हमारे पास है, ये तारें बाहर आ रही हैं, ठीक है, यहां आप इनपुट अपनी मर्जी से, इन वाई प्लेट्स के ऊपर जो इनपुट है वो आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, आप डीसी अप्लाई कर दें, एसी दे दें, जो भी आपने इनपुट देनी है, इसमें से दो टर्मिनल बाहर निकले हुए हैं, इन वाई प्लेट से दो टर्मिनल बाहर आ रहे हैं, फर्ज कर ले एक टर्मिनल ये है, दूसरा टर्मिनल ये है, यहां दो तारें लगा के आप डीसी एसी जो भी प्रोवाइड करना चाहें कर सकते हैं, इसका मतलब है वाई प्लेट्स के ऊपर आपका कंट्रोल है। अच्छा ये जो एक्स प्लेट्स हैं, इसका सिर्फ एक बटन यहां लगा होता बाहर, जिसके ऊपर सिर्फ ऑन ऑफ लिखा होता, यानी वो जो बटन है इसको आप या तो ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं, यानी ये ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है। अगर फर्ज करें, ये देखो इनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, सिर्फ जस्ट आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, ऑन ऑफ तक आपका कंट्रोल है बस, उसके बाद उसके इन एक्स प्लेट्स के ऊपर जो वोल्टेज है, उस वोल्टेज के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। वो किस तरह की वोल्टेज है, वो इस सीआरओ के अंदर एक बिल्ट इन सर्किट है जो उस वोल्टेज हमें प्रोवाइड करेगा, बिल्ट इन सर्किट है। तो वो जो बिल्ट इन सर्किट है वोल्टेज अक्रॉस एक्स प्लेट्स, वो कैसी वोल्टेज हमें प्रोवाइड करेगा, वो वोल्ट इस किस्म की कि इन एक्स प्लेट्स के ऊपर, ये जो एक्स प्लेट्स है इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, यकदम जीरो हो जाएगा, यकदम जीरो हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर बढ़ता गया फिर यकदम जीरो हो गया, बढ़ता गया फिर यकदम जीरो हो गया। बात समझ में आ गई, ये आपको अगर बात ना समझ में आई हो तो आपने एक पीछे आर्टिकल पढ़ा हुआ है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटर को हम चार्ज करते गए फिर डिस्चार्ज हो गया, बात समझ में आ गई। अगर चार्जिंग अगर थोड़ी देर लगे और डिस्चार्ज होने में बहुत कम टाइम लगे, तो यहां पर ऐसा आप समझ लें, मुख्तसर ये है, उस तरह का एक सर्किट है जो क्या कर रहा है, हमें वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है लीनियरली, जो बढ़ रही है, यकदम जीरो होगी फिर लीनियरली बढ़ी फिर यकदम जीरो होगी,
तो इस तरह की वोल्टेज को हम कहते हैं सा टूथ वोल्टेज। क्या कहते हैं जी? सा टूथ वोल्टेज। सा टूथ वोल्टेज क्यों कहते हैं? सा का मतलब होता है आरी, आरी के इसके जो ग्राफ बन रहा है वो आरी के दांत जैसा बन रहा है, इसलिए इस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं? सा टूथ वोल्टेज। इसका क्या नाम है जी? सा टूथ वोल्टेज लिख सकते हैं हम, सा टूथ वोल्टेज, ठीक है। या इसे एक और भी नाम कहते हैं, इसे कहते हैं स्वीप वोल्टेज। इसको अभी आगे चल के बताऊंगा क्यों स्वीप वोल्टेज कहते हैं। या इसे क्या कहते हैं? इसे हम टाइम बेस जनरेटर भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टाइम बेस जनरेटर। अब इस तरह की ये वोल्टेज होती है जी किन के ऊपर? एक्स प्लेट्स के ऊपर। और वाई प्लेट्स के ऊपर हमारा अपना कंट्रोल है, हम उस वहां डीसी प्रोवाइड कर सकते हैं, एसी प्रोवाइड कर सकते हैं, जो भी हम इनको वोल्टेज प्रोवाइड करना चाहें हम प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर इसी तरह की वोल्टेज है, इसके अंदर एक सर्किट है, बिल्ट इन सर्किट है सीआरओ के अंदर जो इसको प्रोवाइड करेगा। हमारे इख्तियार में यहां पर क्या है? सिर्फ इस सीआरओ एक्स प्लेट्स को ऑन या ऑफ करना। हम ऑन कर देंगे तो इस तरह की वोल्टेज उन एक्स प्लेट्स के दरमियान जो है वो अप्लाई हो जाएगी, और अगर ऑफ होगा तो फिर कुछ भी नहीं अप्लाई होगा। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। और ये जो इलेक्ट्रॉन है आगे जाके टकराएंगे एक फ्लोरिसेंट स्क्रीन से। फ्लोरिसेंट स्क्रीन क्या होती है? ये आमतौर पर प्लाटिनियम बेरियम साइनाइड या जिंक सल्फाइड से बनी होती है। तो ये जो मटेरियल होते हैं जिंक सल्फाइड या बेरियम प्लाटिनो साइनाइड, ये जो मटेरियल है ये क्या करते हैं? ये जब इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से टकराते हैं तो आप समझ लेंगे ग्लो, इलेक्ट्रॉन विल प्रोड्यूस ग्लो व्हेन दे कोलाइड विद द सरफेस ऑफ द दिस स्क्रीन। ठीक है जी, तो जो सरफेस जो मटेरियल इस ग्लो पैदा करेगा इलेक्ट्रॉन के स्ट्राइक करने से, उन्हें हम क्या बोलते हैं? फ्लोरिसेंट मटेरियल्स। और इस स्क्रीन को क्या बोलेंगे? फ्लोरिसेंट स्क्रीन। क्लियर है? अब इस कहानी को जरा थोड़ा सा दोबारा देखो, फिर हम इसकी वर्किंग पे जाएंगे। घबराना नहीं है, आज आपने थोड़ा सा ज्यादा टाइम लूंगा, ठीक है, ताकि ये आर्टिकल आपको आ जाए, ना सिर्फ आ जाए बल्कि समझ आ जाए। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन गन तो आ गई समझ, कितने हिस्से इसमें? चार हिस्से हैं, फिलामेंट है, कैथोड है, ग्रिड है। ये पहला क्या है? फोकसिंग एनोड है, एक्सेलेटिंग एनोड है। और इलेक्ट्रॉन एक्सेलेट हो गए, आगे किससे? दो प्लेट से सामना करना पड़ा, एक एक्स प्लेट्स हैं। ये जो एक्स प्लेट्स हैं ये हैं वर्टिकल प्लेट्स, दे डिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रॉन बीम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और ये जो एक्स प्लेट्स पे वोल्टेज है ये किस किस्म की वोल्टेज है? सा टूथ वोल्टेज है। ये सीआरओ के अंदर एक सर्किट है, बिल्ट इन सर्किट है, जो इसको इस तरह की वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है जी, और उसके बाद वाई प्लेट्स है। वाई प्लेट्स के ऊपर जो वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज जो हमारी हम अपनी मर्जी से वहां पर एसी वोल्टेज दे सकते हैं, डीसी दे सकते हैं, वो हमारे इख्तियार में है। ये दो टर्मिनल आप समझ लें कि बाहर निकले हुए हैं, वहां से आप ऑन जो है वो यहां दो तारे लेकर एसी लगाना चाहें एसी लगा दें, डीसी लगाना चाहें डीसी लगा दें, जो आपकी मर्जी है वो लगा सकते हैं। ठीक होगी बात जी। चल अब हम बारी बारी देखते हैं कि सीआरओ से मुख्तलिफ हम किस तरह से उनकी जो ग्राफ है या मामलात हैं वो किस तरह से आगे चलेंगे, वो वन बाय वन करके हम देखते हैं। नंबर एक, ये देखिए जी बड़ी इंटरेस्टिंग बात। पहली बात, अगर फर्ज करें लेकिन टीवी आपने ऑन कर दिया, पहला केस सीआरओ ऑन है, टीवी आप समझिए आपने ऑन कर दिया, एक्स प्लेट्स को भी आपने क्या रखा? ऑफ। वाई प्लेट्स को भी ऑफ। क्यों जी, समझ रहे मेरी बात? ठीक है, ये जरा बातें जरा देखें। एक्स प्लेट्स को भी बेटा ऑफ रखा, वाई को भी ऑफ रखा, लेकिन सीआरओ क्या है? ऑन। अगर सीआरओ ऑन होगी इसका मतलब है यहां से इलेक्ट्रॉन बीम एक पैदा होगी, इधर जो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं ये भी ऑफ है, ये भी ऑफ है, तो इलेक्ट्रॉन बीम सीधी गुजर जाएगी, सीधी गुजरेगी, जाके किससे टकराएगी? स्क्रीन के
सेंटर्स। तो इसका मतलब है अगर एक्स प्लेट्स भी ऑफ हों वाई प्लेट्स भी ऑफ हों तो जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो जाकर सीधी किससे टकराएगी, स्क्रीन के सेंटर से। तो इसका मतलब है वी हैव अ ब्राइट स्पॉट एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। तो इफ एक्स प्लेट्स आर ऑफ वाई प्लेट्स आर ऑफ देन स्क्रीन के ऊपर हमें सीआरओ का क्या नजर आएगा, अगर सीआरओ ऑन है क्या नजर आएगा जी, ये नजर आएगा वी हैव अ ब्राइट स्पॉट एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। अच्छा एक बात और याद रखें कि ये जो स्क्रीन हमें नजर आएगी इसका जो वर्टिकल लाइन है ये वाली, इसको हमने इसके ऊपर हमने वोल्टेज कैलिब्रेट किया होता है, यानी आप समझ लें ये 5 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, 50 वोल्ट है एंड सो ऑन। इस तरह से ये नीचे भी 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 50 वोल्ट, आप सेंटर से नीचे भी आ जाए ऊपर भी आ जाए, यानी वर्टिकल लाइन इज कैलिब्रेटेड टू वोल्टेज। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पे क्या लिखा होता है टाइम, इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या आपने क्या स्केल बनाई हुई है, क्या स्केल बनाई है जी, टाइम की, और वर्टिकल लाइन पे वोल्टेज की। अब देखो पहले केस में क्या हुआ है, एक्स प्लेट्स भी ऑफ वाई प्लेट्स भी ऑफ, तो वी हैव अ सेंटर ब्राइट स्पॉट एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। अगला केस देखें, लेकिन एक्स प्लेट्स तो आपने रखी ऑफ, यानी ये अभी भी ऑफ है, वाई प्लेट्स पे आपने क्या किया, वाई प्लेट्स पे आपने डीसी प्रोवाइड कर दी, ये जी नहीं एक ये सेल लगा दिया, लेट्स से डीसी वोल्टेज लगा दी, यानी इसका मतलब अगर ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो गई ये वाली, ये नीचे वाली को नेगेटिव टर्मिनल से लगा दिया, ऊपर वाली को पॉजिटिव टर्मिनल से लगा दिया। अब क्या होगा, ये वाली ऑफ है, इलेक्ट्रॉन बीम आई किधर डिफ्लेक्ट होगी बताओ जी, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किधर पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ऐसे जब ये प्लेट रिपेल करेगी इलेक्ट्रॉन्स को, ये अट्रैक्ट करेगी, तो इलेक्ट्रॉन्स विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डिफ्लेक्शन है इस डिफ्लेक्शन की वजह से क्या होगा, ये जो ब्राइट स्पॉट है सेंटर से मूव करके ऊपर चला जाएगा, सेंटर से मूव करके ऊपर चला जाएगा। अब इस लाइन के ऊपर लिखा हुआ है कि 5 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, 50 वोल्ट है, 100 वोल्ट है, तो इस लाइन के ये जो ब्राइट स्पॉट जहां पर जाकर रुकेगा हमें पता चल जाएगा कि लो जी ये जो डीसी आपने प्रोवाइड की है ये कितने वोल्ट है। सो इन दिस वे अगर आप यहां टर्मिनल बदल दें तो ये जो ब्राइट स्पॉट है ये नीचे आ जाएगा, अगर वोल्टेज बढ़ा दें ब्राइट स्पॉट ऊपर चला जाएगा, ठीक है, अगर कम कर दें ये नीचे आ जाएगा, जीरो कर दें ये सेंटर पे आ जाएगा, टर्मिनल बदल दें नीचे की तरफ चला जाएगा। क्लियर होगी बात। सो वी हैव अ ब्राइट स्पॉट ऑन द वर्टिकल लाइन इफ वी प्रोवाइड इनपुट डीसी, कि अगर आप इनपुट जो है दे रहे हैं वो डीसी प्रोवाइड करेंगे तो ब्राइट स्पॉट वर्टिकल लाइन के ऊपर ऊपर या नीचे कहीं भी हो सकता है, ठीक है जी। तीसरा केस देखें, लेकिन एक्स प्लेट्स ऑफ है, वाई प्लेट्स पर अब आपने डीसी की बजाय एसी प्रोवाइड कर दिया। अभी मैंने आपको बताया कि अगर यहां पर जो वोल्टेज है ऊपर वोल्टेज अगर आप बढ़ाते हैं पॉजिटिव टर्म पोटेंशियल डिफरेंस इनके दरमियान बढ़ाते हैं तो ये जो ब्राइट स्पॉट है ये ऊपर जाता जाएगा, अगर कम करते हैं तो नीचे आता जाएगा। अब एसी में क्या होगा, एसी की क्या खूबी होती है, ये एसी का एक साइकिल है, एसी की खूबी है कि उसने बढ़ना है, बढ़ता का मैक्सिमम हो गया, फिर कम होना शुरू हो गया, फिर उल्टी डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हो गया। तो इसका मतलब है ये ब्राइट स्पॉट क्या करेगा, ब्राइट स्पॉट क्या करेगा जी, इस सूरत में ऊपर जाएगा, ठीक है, वोल्टेज बढ़ रही है ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आना शुरू हो गया उल्टी डायरेक्शन में। तो इसका मतलब है ये जो हम एसी दे रहे हैं जो हमारे घरों में आ रही है उस कितने फ्रीक्वेंसी है जी उसकी, 50 हर्ट्ज। इसका मतलब है कि एक सेकंड में 50 साइकिल गुजरेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक साइकिल अगर एसी का आता है तो ये जो ब्राइट स्पॉट है ये एक वाइब्रेशन मुकम्मल करता है। तो अगर आप 50 हर्ट्ज वाली एसी प्रोवाइड कर देंगे तो ये जो ब्राइट स्पॉट है ये 50 वाइब्रेशंस मुकम्मल करेगा ऑन दिस वर्टिकल लाइन। तो वो जो 50 वाइब्रेशंस हैं एक सेकंड में वो बहुत ज्यादा है, हमें ये ब्राइट स्पॉट ऊपर नीचे जाता हुआ नजर
नहीं आएगा। तो हमें क्या नजर आएगा, वी हैव अ वर्टिकल लाइन ऑन दिस, हम ये वर्टिकल लाइन जो है वो हमें ये नजर आएगी ऑन दी सॉरी ब्राइट लाइन ऑन दी वर्टिकल लाइन। सो वी हैव ब्राइट लाइन ऑन दी वर्टिकल लाइन। इफ वी प्रोवाइड एन एसी एसी ऑफ 50 हर्ट्ज और जब हमने क्या किया हुआ हो एक्स प्लेट्स को ऑफ किया हुआ। चौथा केस क्या है, अगर हम अब क्या करें एक्स प्लेट्स को ऑन कर दें और वाई प्लेट्स ऑफ कर दें, लेकिन एक्स प्लेट्स को हम ऑन कर देते हैं और वाई प्लेट्स को क्या कर देते हैं ऑफ कर देते हैं। अब एक्स प्लेट्स के ऊपर वोल्टेज किस किस्म की है, इनके दरमियान वोल्टेज बढ़ती गई यकदम जीरो हो गई। तो क्या हुआ, अब ब्राइट स्पॉट क्या करेगा, वर्टिकल लाइन की तरफ जाने की बजाय इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, फिर जाएगा फिर वापस आएगा, यानी ऐसे जाएगा फिर वापस आ गया, ऐसे जाएगा फिर वापस आ गया। इसका मतलब है ये ऐसे ही है जैसे आप झाड़ू फेर रहे हैं, यानी ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, समझ आ गई बात, यानी ऐसे ऐसे। तो इसीलिए इस वोल्टेज को क्या कहते हैं, झाड़ू वोल्टेज या स्वीप वोल्टेज। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर वाई प्लेट्स पर एसी प्रोवाइड की तो वो वर्टिकल डायरेक्शन में एक ब्राइट लाइन, एक्स प्लेट्स पे आपने स्वीप वोल्टेज प्रोवाइड की, शॉर्ट टूथ वोल्टेज की, तो वो इधर गया फिर वापस आ गया, इधर गया फिर वापस आ गया। अब अगर दोनों को ऑन कर दें, एक्स प्लेट्स ऑन वाई प्लेट्स भी, वाई प्लेट्स के ऊपर एसी सिग्नल दे दें, क्या होगा, अगर तो वाई प्लेट्स पे इधर इसको स्वीप करने वाली वोल्टेज खींचने वाली वोल्टेज कोई नहीं है तो फिर ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, लेकिन अगर मेरे हाथ को आप देखें इधर भी साथ धक्का लगाया जाए और साथ साथ वो ऐसे ऑसिलेट भी कर रहा हो तो क्या होगा बताओ, एक वेव फॉर्म बन जाएगी, एक साइनोसाइडल वेव बन जाएगी, साइन वेव बन जाएगी, इसे साइन वेव कहते हैं। सो वी इन दिस वे वी कैन डिस्प्ले अ वेव फॉर्म ऑफ इनपुट एसी, जो भी इनपुट सिग्नल आप दे रहे हैं उसकी वेव फॉर्म आप सीआरओ के ऊपर देख सकते हैं। जब वेव फॉर्म आपके पास आ गई तो अब इस वेव फॉर्म को, इसकी हम ये पीक वैल्यू है, ये पीक टू पीक वैल्यू मालूम कर लेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम की जा सकती है, उसकी पीक वैल्यू या मैक्सिमम वोल्टेज मालूम की जा सकती है एक साइकिल के दौरान, ये सारी चीजें हम उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक होगी बात। एक इसमें बड़ा अहम मामला है कि ये जो स्क्रीन के ऊपर ग्राफ बन गया, स्क्रीन के ऊपर ग्राफ बन गया, जो ग्राफ है, जो वेव फॉर्म है, ये वेव फॉर्म जो है इट अपीयर स्टेशनरी, इट अपीयर स्टेशनरी ओनली, कब ये जो ग्राफ है ये स्टेशनरी अपीयर होगा, कब, जब इस टाइम बेस का जो टाइम पीरियड है वो हमारी जो इनपुट हम दे रहे हैं उस एसी के टाइम पीरियड के या तो बराबर हो या फिर उसका मल्टीपल हो। अब ये क्या मतलब हुआ, ये मतलब समझते हैं, ये देखो इस मतलब को जरा ध्यान से समझना है। ये देखो लेकिन ये स्क्रीन है ऐसे, लेट्स से ठीक है, लेकिन मैं इस वर्टिकल लाइन के ऊपर ये ग्राफ एक बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता, इधर इधर क्यों जा रहा है, क्योंकि ये वाली वोल्टेज एक्स वाली वोल्टेज इधर इधर धक्का लगा रही है हाथ को, इधर धक्का लगा रही, ये खींचेगा। लेकिन जैसे ही एसी का एक साइकिल मुकम्मल हुआ, जैसे ही एसी का एक साइकिल मुकम्मल हुआ, इसका भी एक पल्स मुकम्मल हो, इसका मतलब है इधर खींचने वाली फोर्स जीरो हो गई, तो ये यकदम ये स्पॉट यकदम भाग के यहां आ गया, फिर इधर शुरू अगली पल्स शुरू हो गई, फिर इसके ऊपर ऊपर ये चला गया। अब जरा देखो इसका मतलब है अगर एसी का टाइम पीरियड, इस एसी का टाइम पीरियड, इनपुट एसी का टाइम पीरियड या इनपुट एसी की फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी अगर हो जाए बराबर तो फिर ये मामला है। लेकिन अगर फर्ज करो लेकिन इधर धक्का लगाया, लगा रहे अभी इसका एक साइकिल मुकम्मल नहीं हुआ, लेट्स से अभी पौना साइकिल मुकम्मल हुआ, ठीक है, फिर क्या होगा, ये क्वार्टर मुकम्मल, अब तीन क्वार्टर हुआ है, तो इधर ले जाने वाली फोर्स
यानी इसका एक पल्स मुकम्मल हो गई है, एसी का भी एक साइकिल मुकम्मल नहीं हुआ। तो इधर ये यकदम, यहां से यकदम जीरो होगी, यहां से ये यकदम जीरो होगी, इधर खींचने वाली फोर्स जीरो होगी, तो ये यहां से फिर ग्राफ यहां से शुरू हो जाएगा, फिर यहां पहुंचा, यहां से शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है इस स्क्रीन के ऊपर हमें बहुत सारे ग्राफ जो है वो वाइब्रेट करते हुए नजर आएंगे, तो हमें बिल्कुल हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा असल वाला ग्राफ कौन सा है। ठीक है, उसमें इतने ग्राफ हमें जो है वो फ्लक्चुएट करते हुए नजर आएंगे, तो हमारा ग्राफ जो है वो स्टेशनरी अपीयर नहीं होगा। सो ग्राफ विल अपीयर स्टेशनरी, इसको हम कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन। द पैटर्न ऑफ द ग्राफ ऑन द स्क्रीन विल अपीयर स्टेशनरी ओनली इफ द टाइम पीरियड ऑफ द टाइम बेस जनरेटर या स्वीप वोल्टेज इधर इक्वल टू आर सम मल्टीपल ऑफ टाइम पीरियड ऑफ एसी इनपुट, यानी इनपुट एसी और सार्टूथ वोल्टेज का टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी या तो आपस में बराबर हो या फिर एक दूसरे का क्या हो, मल्टीपल हो, तो तब जो है वो स्क्रीन के ऊपर जो ग्राफ है वो स्टेशनरी हमें नजर आएगा। अगर ग्राफ स्टेशनरी नजर नहीं आ रहा तो फिर इस स्क्रीन के ऊपर ये बाहर कंट्रोल पैनल के ऊपर, ये कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल पैनल के ऊपर एक बटन लगा होता है जिसके ऊपर लिखा होता है सिंक्रोनाइजेशन कंट्रोल, उस बटन को हम मरोड़ेंगे, उस बटन को मरोड़ कर ठीक है क्या किया जा सकता है जी, इस सिंक्रोनाइजेशन अचीव की जा सकती है, सिंक्रोनाइजेशन अचीव की जा सकती है। सिंक्रोनाइजेशन होगी तो ग्राफ ऑन द स्क्रीन विल अपीयर स्टेशनरी। सो नो व्हाट आर द यूजेस ऑफ सीआरओ, सीआरओ से हम एसी वोल्टेज और डीसी दोनों मालूम कर सकते हैं, फिर अगर एसी वोल्टेज है तो उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं, उसकी पीक वैल्यू मालूम कर सकते हैं, ठीक है उसका जो है वो पीक टू पीक वैल्यू निकाल सकते हैं। सो वी कैन डिस्प्ले द वेव फॉर्म ऑफ गिवन वोल्टेज, और तीसरी बात क्या है कि हम फेज डिफरेंस दो इनपुट भी एट अ टाइम दे सकते हैं, हम यहां पर एक इनपुट की बजाय दो इनपुट भी दी जा सकती हैं, तो वो जो दो इनपुट आप देंगे उसका जो ग्राफ है, अगर फर्ज करें एक ग्राफ एक का ग्राफ ऐसा बन गया दूसरे का ऐसा बन गया, तो इसका मतलब है कि इनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, एंगल का फर्क कितना है 180 डिग्री। सो वी कैन फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन टू ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज, तो दो ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज का हम फेज डिफरेंस भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये थी आपकी सीआरओ, आई होप कि आपने इसको एब्जॉर्ब कर लिया होगा, और जो है वो इसको आप मेन जो फीचर्स हैं या जो मैंने आपको पढ़ाया है आप अपने नोट्स भी बना लेंगे। ठीक है जी, तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।